नमस्कार अभिनंदन आभार, आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपके अपने डिजिटल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में। आपका एक टॉपिक है सीरीज, उस टॉपिक से आपके एग्जाम में किस किस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं, तो उन क्वेश्चन के आज अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। सभी लोग एक बार फटाफट से जुड़ जाइएगा ताकि हम यहाँ पे आज के क्वेश्चंस की शुरुआत कर सके। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा होगा, तो एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जुड़ जाए और अपन इस क्लास को और आराम से और अच्छे लेवल से करवा सके। जब तक आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर नहीं करेंगे तब तक क्लास में मजा नहीं आएगा। तो सभी लोग एक बार सेशन को फटाफट से शेयर कर दीजिएगा और जुड़ जाइएगा, क्योंकि आज की क्लास में हम सीरीज के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी क्लास लेने वाले हैं। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी है इनमें जो आपकी एग्जाम में कहीं बार पूछे जा सकते हैं और पूछे गए थे, तो उन क्वेश्चन की भी यहाँ पे बात करने वाले हैं। एक बार सभी लोग फटाफट से जुड़ जाइएगा और एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा सेशन को ताकि हम इस क्लास की क्या कर सके, शुरुआत कर सके। देखिएगा दोस्तों आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है इसको देखिएगा। आपका पहला क्वेश्चन है दोस्त, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम के आगे क्या आएगा। आपको दिया है 1, 3, 8, 19, 42 और निवासी। आपको बताना है कि आगे वाला पद क्या होगा, आपको क्या बताना है कि आगे वाला पद क्या होगा और ये आपको बताना, फटाफट से एक बार बताइएगा कि आगे वाला जो पद है वो क्या होगा। तो देखिएगा दोस्त इसमें जो कॉन्सेप्ट लगा है, एक बार बताइएगा इसमें जो कॉन्सेप्ट लगा है वो कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास सबसे पहले एक है, इस एक को मल्टीप्लाई किया है दो से, प्लस क्या किया है एक किया है, तो आपका क्या बन गया, तीन बन गया। बताइएगा क्या ये चीज क्लियर है, इस भी तीन को मल्टीप्लाई किया है दो से, प्लस किया है दो, तो ये बन गया आपका आठ। फिर आठ को फिर से मल्टीप्लाई किया है किससे, दो से, प्लस क्या किया है फिर से तीन, तो आठ दूनी सोलह, सोलह और तीन आपका क्या बन गया, उन्नीस। उन्नीस को फिर मल्टीप्लाई किया दो से और फिर प्लस किया चार, तो गुन्नी दुना 38 और 38 और चार कितना हो गया आपका 42। अब देखिएगा नेक्स्ट है आपका 42 को गुणा किया है दो से, प्लस क्या किया है पांच, प्लस पांच किया है तो आपका क्या बन गया 89। और जब 89 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, दो से, और प्लस क्या करेंगे अपन छह, तो अपना जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, अपना जो आंसर होगा बताइएगा एक बार फटाफट से कि अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा आपका 184। आपका क्या हो जाएगा 184 हो जाएगा जो आपके पास ऑप्शन बी में है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इसका बिल्कुल सही जवाब। बताइएगा पहला जो क्वेश्चन था वो क्लियर है क्या, कि हमने जो पहला क्वेश्चन देखा ये क्लियर है क्या सबका, इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगा है, मल्टीप्लाई टू किया है और इस जो प्लस है, प्लस क्या किया है आपको दिया है और प्लस आपको बढ़ते हुए क्रम में दिया है, सिमिलर नहीं है, एक जैसा नहीं है, एक को मल्टीप्लाई दो से, प्लस क्या किया एक, तो आपकी जो सीरीज बन रही है यहाँ पे वो कौन सी सीरीज है, ये वाली सीरीज है। चलो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये सेकंड वाला जो प्रश्न है इसको देखिएगा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताइएगा फटाफट से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। 5, 16, 51 और 158, 5, 16, 51, 158 और इसका बताना है आपको सही जवाब, बताइएगा फटाफट से इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा। देखिएगा दोस्त इसमें जो कॉन्सेप्ट लग रहा है आपका वो ये है, इस पांच को मल्टीप्लाई किया है, इस पांच को मल्टीप्लाई किया है किससे, तीन से, और प्लस एक करके क्या बना दिया है 16। वही 16 को मल्टीप्लाई किया है किससे, तीन से, प्लस क्या किया है आपका तीन, आपका क्या किया प्लस तीन किया है, ये बन गया आपका 51। और 51 को फिर से मल्टीप्लाई किया है किससे, तीन से, और प्लस क्या किया है पांच किया है, तो ये बन गया आपका 158। और जब हम 158 को गुणा करते हैं तीन से और प्लस सात करते हैं, तो एक बार सभी लोग बताइएगा कि क्या हो जाएगा, क्या इसका आंसर हो जाएगा, फटाफट से सभी लोग बताइएगा कि क्या हो जाएगा। तो जब हम इसको करेंगे सोल्व, तो आपका 158 को गुणा करेंगे तीन से, प्लस सात करेंगे, तो आपका क्या बन जाएगा 481 बन जाएगा, जो आपके पास कहाँ पे है,
आपके पास कहां पे है, ऑप्शन सी में है, तो यही क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब। बताइएगा क्या ये दूसरा क्वेश्चन क्लियर है क्या सबका। अपन ने पहला क्वेश्चन देखा, इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखा, क्या इन दोनों क्वेश्चन में किसी प्रकार की समस्या है क्या आपको। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर तीन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर तीन आपसे क्या कह रहा है इसको समझना दोस्त, इसको समझना। आपको दिया है 8, 13, 10, 15, 12, 17, 14, आगे है क्वेश्चन मार्क, आगे क्या दिया है आपको, क्वेश्चन मार्क दिया है, और आपको बताना ये है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा। तो अगर हम देखते हैं इसको मेरे दोस्त, आपका ये क्या है 8 में +5 किया है, 8 में सबसे पहले +5 किया, क्या बन गया 13। अब इस 13 में से -3 किया, आपका क्या बन गया 10 बन गया, फिर +5 किया 15 बना, फिर -3 किया 12 बना, फिर +5 किया 17 बना, फिर -3 किया 14 बना, तो वापस से +5 करेंगे तो आपका बन जाएगा 19, जो अपने पास कहां पे है ऑप्शन ए में, तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बताइएगा क्वेश्चन नंबर तीन में किसी को कोई समस्या, क्वेश्चन नंबर चार देखिएगा, क्वेश्चन नंबर चार देखिएगा, और ये वाला क्वेश्चन और भी शानदार है क्योंकि ये देखने में ही बहुत अच्छा लग रहा है, ये क्वेश्चन देखने में ही बहुत अच्छा लग रहा है, और इसमें पॉइंट दिए हैं 6.25, 9, 12.25, 16, 20.25, 25, 30.25, आगे आपको क्या दिया है क्वेश्चन मार्क, आगे आपको क्या दिया है क्वेश्चन मार्क। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज तो यहीं पे क्लियर हो रही होगी, और वो जो चीज है वो क्या क्लियर हो रही है आपकी, तो देखिएगा दोस्त, आपका पॉइंट फिर बिना पॉइंट, पॉइंट फिर बिना पॉइंट, पॉइंट फिर बिना पॉइंट, पॉइंट, और फिर इसके आगे वाला क्या बनेगा, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि बिना पॉइंट वाला यहाँ पे बन जाएगा, आगे क्या बन जाएगा आपका बिना पॉइंट वाला बन जाएगा। तो देखिएगा ये बना कैसे, ये दोनों क्वेश्चन तो आपके पॉइंट बिना पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट से चले गए, अब देखिएगा इसका संबंध इससे, यहाँ पे इस नो का संबंध किससे है, 16 से है, तो नो का संबंध जब 16 से बना तो ये संबंध बना कैसे, नो का और 16 का संबंध कैसे बना, इसमें कितना डिफरेंट है 7 का, इस 16 और 25 में कितना डिफरेंट है 9 का, अब आगे अगर इनके बीच 11 का डिफरेंट ले आऊं तो 25 में जब मैंने 11 ऐड किए तो मेरे पास भी बन गया 36, जो मेरे पास कहा है ऑप्शन ए में। बताइएगा क्वेश्चन नंबर चार समझ में आ गया क्या, किसी को कोई परेशानी है क्या क्वेश्चन नंबर चार से, क्वेश्चन नंबर चार का बताइएगा फटाफट से सभी लोग कि इसमें कोई दिक्कत है क्या। चलो क्वेश्चन नंबर चार में किसी को दिक्कत नहीं है तो अपन क्वेश्चन नंबर पांच को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पांच को देखते हैं और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर पांच में कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, फटाफट से एक बार सभी लोग बता दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर पांच में कौन सा कॉन्सेप्ट आपका लग रहा है। देखिएगा दोस्तों, अगर अपन क्वेश्चन नंबर पांच की बात करें, अगर अपन क्वेश्चन नंबर पांच की बात करें तो आपका ये क्या है, जो इस दो का रिलेशन है वो किससे है, इस वाले चार से, फिर किससे, इस वाले छह से, फिर इस वाले आठ से। अब देखिएगा आपके ऊपर एक वो सीरीज बन रही है, इस दो का संबंध किससे है, इस सात से, इस चार का संबंध किससे है, आठ से, फिर इसका संबंध आगे वाले से आएगा, तो ये क्या हो रहा है, इस दो का मल्टीप्लाई चार, चार का मल्टीप्लाई आठ, आठ का मल्टीप्लाई क्या होगा 16 होगा, तो आपके पास ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा क्वेश्चन नंबर पांच में किसी को कोई परेशानी, कुछ आपत्ति, कुछ समस्या है क्या। चलो नहीं है, एक बार बता दीजिए नहीं है क्या। चलो नहीं है तो क्वेश्चन नंबर छह देख लो मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर छह देख लो, आपको दिया है 2, 12, 36, 80 और 150, आपको बताना है कि इसमें कौन सा इनका सही जवाब हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर छह में कौन सा इनका सही जवाब हो जाएगा, बताइएगा, बताइएगा कि कौन सा इनमें सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर छह, क्वेश्चन नंबर छह का सही जवाब फटाफट से एक बार सभी लोग बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिएगा अगर हम इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो आपके पास जो पैटर्न बन रहा है वो है ए का क्यूब प्लस एक, तो ए का क्यूब एक प्लस एक क्या हो गया 2, फिर आपको देखिएगा 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 कितना हो गया 12,
फिर आगे बढ़ना है तीन का क्यूब प्लस तीन का क्यूब, सॉरी तीन का स्क्वायर, आगे क्या बढ़ेगा तीन का स्क्वायर, तीन का क्यूब क्या होगा आपका 27 और 27 और ये कितना हो जाएगा आपका तीन का स्क्वायर 9, 27 और 9 क्या होता है 36। आपको दिया है यहाँ पे चार का क्यूब, चार का क्यूब प्लस चार का क्यूब प्लस आपको क्या दिया है चार का स्क्वायर, ये क्या है। फिर आपको क्या किया है पांच का क्यूब, पांच का क्यूब प्लस पांच का क्या दिया है आपको स्क्वायर, फिर लास्ट में आपको छह का क्यूब प्लस छह का स्क्वायर, और ये आपसे पूछा है छह का क्यूब प्लस छह का स्क्वायर। मैंने आपको ये कहा है कि सीरीज के जो क्वेश्चन है आप उसी टाइम सोल्व कर सकते हैं, आप उस कंडीशन में सोल्व कर सकते हैं जब आपको क्या हो एक से लेके बीस तक स्क्वायर, एक से लेके बीस तक क्यूब आपको याद होने चाहिए। जब हम इसको सोल्व कर रहे हैं छह का क्यूब प्लस अपन छह का स्क्वायर कर रहे हैं, आपका क्या बन जाएगा 252, 252 बन जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा जो अपने पास कहां पे है यहाँ पे। बिल्कुल सही जवाब बताइएगा, क्या इसमें किसी को कोई आपत्ति। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा और क्वेश्चन नंबर 7 को समझने की कोशिश करें कि ये क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा। 313 और आगे दिया है आपको क्वेश्चन मार्क, बताइएगा कि इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा। तो अगर देखिएगा हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें मेरे दोस्त, आप इसको लिखिएगा 313 फिर आपका 53 फिर आपको 213 और फिर आपका क्या है क्वेश्चन मार्क, इनके बीच का डिफरेंस 10, इनके बीच का डिफरेंस 40, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, इनके बीच का डिफरेंस अगर हम निकाले तो आपका ये कितना हो गया 160। ठीक है, अब देखिएगा यहां तक कुछ समझ में नहीं आया, पर ये क्या हो रहा है आपका मल्टीप्लाई 4 हो रहा है, ये मल्टीप्लाई 4 हो रहा है क्या, इस 10 को मल्टीप्लाई किया किससे 4 से 40 बन गया, इस 40 को मल्टीप्लाई किया 4 से 160 बन गया, इसको अपन 4 से मल्टीप्लाई करके 0, 6 चौक 24, रिमाइंडर आपका 2, 4 एकम 4 और ये 640 बन गया। 640 में अगर अपन 213 ऐड कर देंगे 3, 5, 8, 8, 5, 3 अपने पास ऑप्शन डी में है, तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल सही जवाब। बताइएगा क्या इस क्वेश्चन में किसी भाई को कोई परेशानी, कुछ आपत्ति, कुछ समस्या है क्या। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया है 2, 5, 7, 12, 15, 17, 22 और आगे दे दिया है आपको क्या क्वेश्चन मार्क, आगे दे दिया है आपको क्वेश्चन मार्क और आपसे पूछ लिया है कि बताइएगा इसमें सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा और ये आपसे पूछा है, ये आपसे पूछा है तो आपको बताना है। देखिएगा दोस्त आपको दिया क्या है इसमें, आपको दिया है 2, 5, 7, 12, 15, 17, 22। अब देखिएगा इसमें कुछ ऐसा दिया है जो आप सोच नहीं सकते, एक बार सभी लोग सोचिए और बताइए कि क्या इसका सही जवाब हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या इसका सही जवाब हो सकता है बताइएगा, इसमें क्या इसका सही जवाब हो सकता है ये आपको बताना है। देखिएगा इसमें हुआ क्या है, आपके पास है 2, 5, 7, 12, 15, 17, 22। सबसे पहले इसमें ऐड किया क्या 3, इसमें ऐड किया क्या 2, इसमें ऐड किया क्या 5, 325 या 3, 2, 5 ऐड हो रहा है, 2 में 3 ऐड किया 5, 5 में 2 ऐड किया 7, 7 में फिर 5 ऐड किया 12। अब इस 12 में वापस से ये 3 स्टार्ट हो जाएगा, वापस से ये 3 स्टार्ट हो जाएगा ये वाला, तो ये बन गया 15, फिर यहाँ पे 2 था तो प्लस, फिर 2 होके क्या बन गया 17, फिर प्लस क्या होगा 5 होगा तो ये बन गया आपका 22। ऐसे 3, 2, 5 वापस से रिपीट होगा तो 22 में फिर से क्या ऐड होगा आपका 3 ऐड होगा तो आपका बन जाएगा 25, जो आपके पास ऑप्शन ए में है, आपके पास
ऑप्शन ए में है। बताइएगा क्या क्वेश्चन अच्छा था, क्या बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट डालिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इसमें क्या आपकी सीरीज बन सकती है। 8, 15, 28 और 53 और आपसे पूछा है कि इसमें नेक्स्ट पद जो होगा वो क्या हो जाएगा। आपको बताना है कि नेक्स्ट पद आपका क्या हो जाएगा, आपको नेक्स्ट पद इसमें क्या हो जाएगा ये आपसे पूछा है। बताइएगा 8, 15, 28 और 53 और आपको बताना है कि इसमें नेक्स्ट पद क्या हो जाएगा। देखिए दोस्त, आपका हुआ क्या है, एक्चुअल में इस 8 को गुणा किया 2 से, माइनस 1 करके क्या किया 15 ला दिया, फिर इस 15 को गुणा किया किससे 2 से, माइनस 2 करके आपका क्या आ गया 15 दूनी 30 और 2 करके 28। 28 को गुणा किया किससे 2 से और आपको माइनस किया क्या, आपकी माइनस किया 3 तो आपका क्या बन गया 56 बन गया, 28 दूनी 56 और माइनस 3 किया 53 बन गया। इस 53 को गुणा करेंगे अपन 2 से और माइनस करेंगे 4, इस 53 को जब गुणा किया 2 से 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 106 और माइनस 2 किया तो आपका बन गया 102, जो आपके पास कहां पे है ऑप्शन डी में है। तो आपका ऑप्शन डी क्या हो गया इसके लिए बिल्कुल सही जवाब। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा और इस क्वेश्चन में बताइएगा कि क्या इसका सही जवाब हो सकता है, इसका बताइएगा कि क्या इसका सही जवाब हो सकता है। 3, 12, 27, 48, 75, 108 और आपसे पूछा है कि क्या इसका नेक्स्ट पद होगा, क्या इसका नेक्स्ट पद होगा। क्वेश्चन नंबर 10 बताइएगा कि क्या इसका नेक्स्ट पद होगा, ये आपको बताना है, ये आपको क्या करना है बताना है। फटाफट से बताइएगा कि क्या इसका सही जवाब हो सकता है। देखिए मेरे दोस्त, आपकी यहाँ पे जो कंडीशन बन रही है, ये कंडीशन यहाँ पे ये बन रही है, इस 3 को गुणा किया है किससे 1 के स्क्वायर से, तो आपका क्या बन गया 3 को जब 1 के स्क्वायर से गुणा करेंगे 3, फिर आपका क्या है 3 को गुणा किया है 2 के स्क्वायर से, तो 3 दूनी 6 मतलब ये आपका 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 और 4 से कितना हो गया 12, फिर इस 3 को गुणा किया है किससे 3 के स्क्वायर से, 3 3 9 और 9 3 27 बन गया। फिर ऐसे किया 3 को गुणा किया 4 के स्क्वायर से, 4 स्क्वायर आपका हो गया कितना 16 और 16 3 48 हो गया। फिर आपको किया क्या, इस 3 को गुणा किया है 5 के स्क्वायर से, 25 को गुणा किया 3 से 75 बन गया मेरे दोस्त। आगे किया है 3 को गुणा किया है 6 के स्क्वायर से, 6 का स्क्वायर 36 को गुणा किया 3 से 108। आगे जब बढ़े 3 को गुणा किया है 7 के स्क्वायर से, 7 का स्क्वायर 49, 49 को मल्टीप्लाई किया 3 से 9 3 27 हासिल का 2 4 3 12 13 14 147 आ गया, जो अपने पास कहां पे है ऑप्शन ए में है। तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया क्या, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कहना चाह रहा है ये चीज बताइएगा, क्या ये चीज क्लियर है क्या। अगर ये क्लियर है तो हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। और एक बात सभी लोग बताइए, इस क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, 1 8 9 1 8 9 64 25 1 8 9 64 25 216 और आपसे कुछ आगे और पूछा है इसमें, आपसे कुछ आगे और पूछा है इसमें, और आपको बताना ये है कि क्या इसमें सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा क्या इसमें सही जवाब हो जाएगा, फटाफट से बताइए कि क्या इसमें हो जाएगा। देखिएगा दोस्त, आपका हुआ क्या है एक्चुअल में, इस वाले में ये क्या है 1, इसके बाद में इस 9, इसके बाद में इस 25 और आगे क्वेश्चन मार्क 1, तो ये सीरीज बन रही है आपकी 1 8 1 64 1 216 और 1 आपका ये वाला क्वेश्चन मार्क। देखिएगा अगर हम देखें यहाँ पे जो ओल्ड नंबर्स हैं उनके स्क्वायर है, ओल्ड नंबर्स के क्या है स्क्वायर, देखिएगा कैसे 1 का स्क्वायर 1, उसके बाद में ओल्ड नंबर आपका 3, 3 का स्क्वायर 9, फिर 5 का, फिर 5 के आगे 7 आएगा, 7 7 हो जाएगा 49, तो इस वाले रो में अपने पास 49 आ गया,
49 देखिएगा आपके पास इस वाले ऑप्शन में, इस वाले ऑप्शन में पेंडिंग रखिएगा कौन सा आगे। ये क्या है आपका, आपका ये है क्यूब, ये क्या बन रहा है, क्यूब बन रहा है। और ये क्यूब किसका है, ये 2 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है। तो 8 का क्यूब क्या होता है, 8 का क्यूब क्या हो जाएगा आपका, 8 का क्यूब देखिएगा, 8 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2, 4, 6। और 8 का क्यूब 8 × 64, और 64 को जब हम गुणा करेंगे 8 से तो आपका बन जाएगा 512, जो आपके पास कहां पे है 512, ये रहा 49, ये रहा। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 11 में किसी को कोई परेशानी है क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें बताइएगा क्या कॉन्सेप्ट आपका इसमें लग रहा है, क्या कॉन्सेप्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 में लग रहा है, बताइएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 12 को बताइएगा क्या कॉन्सेप्ट आपका इसमें लग रहा है, और आपको दिया है कि इसका आंसर आपको बताना है। देखिए मेरे दोस्त, आपकी इसमें भी क्या है, मिक्स सीरीज है, 3 का संबंध इस 7 से है, फिर इस 5 से है, फिर इस 6 से है, तो आपका फिर लास्ट में 7 से है, ठीक है। यहां तक कोई समस्या नहीं है अपनी, अपन इसको हटा देते हैं। इसके बाद में आपका संबंध है इस 15 का इस 16 से, फिर 17 से, तो आगे क्या बन जाएगा 18, जो अपने पास ऑप्शन बी में है, यही क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही जवाब। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 को समझिए, 240 क्वेश्चन मार्क, 120, 40, 10 और 2। देखिएगा यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर अपन देखें, अगर अपन देखें तो इसमें हो क्या रहा है, फटाफट से बताइएगा इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ी अच्छी चीज है, सोचने लायक चीज है। आप लोग सोचिएगा कि क्या हो रहा है, आप सोचिएगा कि क्या हो रहा है। तो देखिए मेरे दोस्ती, इसमें जो हुआ है, सबसे पहले 240 का हाफ हुआ, भाग किससे किया है, 1/2 से, तो ये बन गया आपका 120, यहाँ पे क्या बन गया 120। इसके बाद में ये 120, ये वाला गलत है, यहाँ पे ये वाला नहीं आएगा, ठीक है। फिर 120 को क्या किया है, हाफ किया 1/3 से, तो ये क्या बन जाएगा 40, और फिर इस 40 को भाग किया है 1/4 से, तो आपका बन गया 10। इस 10 को फिर हाफ किया है, भाग दिया है 1/5 से, 1/5 से, तो ये बन गया आपका 2। यहाँ पे 140 नहीं है भैया, इसको हटा लेना, और ये जो आपका आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 120, जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14, और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको मिल रहा है होमवर्क, ये आपको मिल रहा है होमवर्क, और सभी लोग बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से सभी लोग एक बार बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा, ठीक है, बताइएगा फटाफट से, बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है आपको कमेंट में करना है, आपको देखना है, आपको बताना है। बाकी नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपन और इस टॉपिक्स के बारे में और अच्छे क्वेश्चन देखने वाले हैं, और अपने जो रीजनिंग के कुछ टॉपिक है उनके बारे में देखने। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।